नमस्ते साथियों, बनारस जिसके नाम में ही रस हो वो शहर कैसा होगा आप समझ सकते हैं। घाटों की नगरी है बनारस, पूरे शहर घाटों किनारे बसा है। बनारस को महसूस करना हो तो सुबह सूरज निकलते ही समय आप आ जाइए और घाट पर बैठ जाइए। हम सब चल रहे हैं बनारस में आज नौका विहार करने। इसके लिए सबसे पहले हम सब आए गदौलिया चौराहा और यहाँ से एक रास्ता जाता है काशी विश्वनाथ जी को और एक रास्ता जाता है दशाश्वमेध घाट पर। दशाश्वमेध घाट वो घाट है जहाँ से आपको आसानी से नौका विहार करने के लिए नाव मिल जाएगी और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से आप 10 मिनट चलेंगे और दशाश्वमेध घाट पहुँच जाएंगे। सारे घाटों में से सबसे ज़्यादा मान्यता इसी घाट की है। सारे मुख्य काम यहाँ पर होते हैं, आप आएंगे किसी भी तरह का पूजा पाठ आप यहाँ करवा सकते हैं। तो हम सब भी यहाँ पहुँच गए। कुछ समय तक दशाश्वमेध घाट घूमने के बाद यहाँ आसपास चीज़ें देखी, लोगों से बातें की, यहाँ के स्थान और इसके महत्ता के बारे में जानने की कोशिश की और इसी घाट से सटा हुआ काशी विश्वनाथ जी का मंदिर भी है। तो हम लोगों ने ये विचार किया कि पहले नौका विहार करेंगे। तो हम सब भी गए नौका विहार करने। नाव वालों ने काफ़ी रेट बताए, 200 रुपये प्रति व्यक्ति से शुरुआत की उन्होंने और उनका कहना था कि वो यहाँ से शुरू करेंगे और हरिश्चंद्र घाट तक जाएंगे, फिर वहाँ से घुमाने के बाद वापस मणिकर्णिका होते हुए यहाँ पर छोड़ देंगे। तो इस पर आप बार्गेनिंग करिएगा, कई तरह के लोग मिलेंगे, नाव वाले मिलेंगे जो आपको तरह तरह के रेट बताएंगे। अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेंगे तो 100 रुपये में आप प्रति व्यक्ति नौका विहार का आनंद ले सकते हैं। हमने भी 100 रुपये में ही तय किया था और वो हम लोग को लेकर चल पड़ा। नाव चल पड़ी धीरे धीरे और हम सब का मन उससे भी तेज कहीं जा रहा था। रास्ते में आप जो पीछे देख रहे हैं ये सब बनारस के घाट हैं। बनारस में लिखित रूप में करीबन 84 घाट हैं और वैसे तो यहाँ 100 से ऊपर घाट हैं। तो एक एक करके घाट आपके सामने निकलते जाएंगे, आप उनको देखिए, उनकी बनावट शैली को देखिए, घाट आपको अपने आप में अलग ही दिखेगा। तो हम सब भी इसी तरह से नाव पर बैठकर एक एक घाटों को देखते हुए चल पड़े। वास्तव में बहुत ही विहंगम यात्रा थी, दृश्य इतने सुंदर थे, विहंगम थे कि मन अपने आप में प्रफुल्लित हो रहा था। बनारस है ही ऐसा शहर कि आप यहाँ पर आएंगे और आपका मन प्रसन्न ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको लगेगा कि जीवन की संपूर्णता इसी शहर में छुपी हुई है, इसीलिए बनारस आप कभी भी आएंगे तो आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। शिवनगरी काशी। शिवनगरी काशी के गंगा घाटों की महिमा न्यारी है। प्राचीन नगर काशी पूरे विश्व में सबसे पवित्र शहर है, धर्म एवं संस्कृति का केंद्र बिंदु भी है। 80 घाट से लेकर आदि केशव तक घाट श्रृंखला में हर घाट के अलग ठाट हैं। कहीं शिव गंगा में समाये हुए हैं तो किसी घाट की सीढ़ियां शास्त्रीय विधान में निर्मित हैं। कोई मंदिर विशिष्ट स्थापत्य शैली में है तो किसी घाट की पहचान वहां स्थित महलों से है। किसी घाट पर मस्जिद है तो कई घाट मौज मस्ती का केंद्र है। ये घाट काशी के अमूल्य रत्न हैं जिन्हें किसी जौहरी की आवश्यकता नहीं है। गंगा केवल काशी में ही उत्तरवाहिनी है तथा शिव के त्रिशूल पर बसे काशी के लगभग सभी घाटों पर शिव स्वयं विराजमान है। विभिन्न शुभ अवसरों पर गंगा पूजा के लिए इन घाटों को ही साक्षी बनाया जाता है। विभिन्न विख्यात संत महात्माओं ने भी इन्हीं घाटों पर आश्रय लिया है, जिनमें तुलसीदास, रामानंद, रविदास, तैलंग स्वामी, कुमार स्वामी आदि प्रमुख हैं। विभिन्न राजाओं महाराजाओं ने इन्हीं गंगा घाटों पर अपने महलों का निर्माण कराया एवं निवास किया। इन्हीं घाटों पर संपूर्ण भारतीय संस्कृति का समन्वय जीवंत रूप में विद्यमान है। घाटों ने काशी की एक अलग छवि को जगजाहिर किया। यहाँ होने वाले धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गंगा आरती, गंगा महोत्सव, देव दीपावली, नाग नथैया जिसे कृष्ण लीला भी कहते हैं, बुढ़वा मंगल आदि विश्वविख्यात हैं। काशी वासियों के लिए गंगा के घाट धार्मिक आध्यात्मिक महत्व के साथ ही पर्यटन मौज मस्ती की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। घाट पर स्नान के पश्चात भांग बूटी के मस्ती में डूबे साधु सन्यासी एवं यहाँ के निवासियों ने बनारसी मस्ती के अद्भुत छवि का निर्माण किया है, जिसके अलग अंदाज को देखना, समझना एवं जीना ये पूरा विश्व चाहता है। वाराणसी में लगभग 84 घाट हैं। ये घाट लगभग 4 मील लंबे तट पर बने हुए हैं। इन 84 घाटों में 5 घाट बहुत ही पवित्र माने जाते हैं।
इन्हें सामूहिक रूप से पंच तीर्थ कहा जाता है। यह है अस्सी घाट, दशाश्वमेध घाट, आदि केशव घाट, पंचगंगा घाट तथा मणिकर्णिका घाट। अस्सी घाट सबसे दक्षिण में स्थित है, जबकि आदि केशव घाट सबसे उत्तर में स्थित है। हर घाट की अपनी अलग कहानी है। वाराणसी के कई घाट मराठा साम्राज्य के अधीनस्थ काल में बनवाए गए थे। वाराणसी के संरक्षकों में मराठा, सिंधे, होलकर, भोंसले तथा पेशवा परिवार रहे हैं। वाराणसी में अधिकतर घाट स्नान घाटें, कुछ घाट अंत्येष्टि घाट हैं। महानिर्वाणी घाट में महात्मा बुद्ध ने स्नान किया था। कुछ घाट जैसे मणिकर्णिका घाट किसी कथा आदि से जुड़े हुए हैं, जबकि कुछ घाट निजी स्वामित्व के भी हैं। पूर्व काशी नरेश का शिवाला घाट और काली घाट निजी संपदा है। वाराणसी में 80 घाट से लेकर वर्णा घाट कुल मिला के 84 घाट हैं। इनमें से कुछ घाट के नाम निम्न हैं, जैसे नबला घाट, 80 घाट, लाला मिश्री घाट, तुलसी घाट, भदैनी घाट, जानकी घाट, अक्रूर घाट, माता आनंदमयी घाट आदि। इस तरह से कुल मिला के 84 घाट यहाँ पर आपको दिखेंगे। वाराणसी में कुछ प्रमुख घाट हैं। इनमें कुछ घाटों का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है और कुछ घाट अपनी प्राचीनता से तो कुछ ऐतिहासिकता से और कुछ कला के लिहाज से खासियत रखते हैं। यदि बनारस के कुछ प्रमुख घाटों की बात करें तो उनमें से 80 घाट काफ़ी प्रसिद्ध घाट है। 80 घाट बनारस के दक्षिणी छोर पर गंगा और 80 नदी के संगम पर स्थित है। यहीं पर भगवान जगन्नाथ का प्रसिद्ध मंदिर भी है। यह घाट श्रद्धालुओं की आस्था व आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। दूसरा घाट है तुलसी घाट। यह घाट प्रसिद्ध कवि तुलसीदास जी से संबंधित है। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिंदुओं के प्रसिद्ध ग्रंथ श्री रामचरितमानस के कई अंशों की रचना की थी। कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने अपना आखिरी समय यहीं पर व्यतीत किया था। इसके बाद आता है हरिश्चंद्र घाट। हरिश्चंद्र घाट का संबंध राजा हरिश्चंद्र से है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम पर यह घाट वाराणसी के प्राचीनतम घाटों में से एक है। इस घाट पर हिंदू मरणोपरांत के पश्चात दाह संस्कार करते हैं। अगला घाट है केदार घाट। यह घाट का नाम केदारेश्वर महादेव मंदिर के नाम पर पड़ा हुआ है। इस घाट के समीप ही स्वामी करपात्री आश्रम व गौरीकुंड स्थित है। दशाश्वमेध घाट। यह घाट गोदौलिया से गंगा जाने वाले मार्ग के अंतिम छोर पर पड़ता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार राजा दिवोदास द्वारा यहाँ 10 अश्वमेघ यज्ञ कराए जाने के कारण इसका नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। एक अन्य मत के अनुसार नागवंशी राजा वीरसेन ने चक्रवर्ती बनने की आकांक्षा में इस स्थान पर 10 बार अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। मणिकर्णिका घाट। पौराणिक मान्यताओं से जुड़े मणिकर्णिका का नाम धर्मप्राण जनता में मरणोपरांत अंतिम संस्कार के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस घाट की गणना काशी के पंच तीर्थों में की जाती है। मणिकर्णिका घाट पर स्थित भवनों का निर्माण पेशवा बाजीराव तथा अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। चाहे वो विदेशी हों, अघोरी हों या पूजा करने वाले श्रद्धालु हों, ये घाट हमेशा लोगों से भरे रहते हैं। आप उस घाट से शुरू करते हैं जहां एक नवजात बच्चे को अपना पहला स्नान करवाया जा रहा होता है, और जब आप अपनी वॉक खत्म करते हैं तो आप उस घाट तक पहुँचते हैं जहाँ किसी के अंतिम संस्कार की क्रिया की जा रही होती है। इसी तरह हमारा जीवन चक्र भी पूरा होता है। आप हरिश्चंद्र घाट के जरिए नदी के तट तक भी जा सकते हैं। यह सबसे पुराना घाट है और इसे मणिकर्णिका घाट से भी पवित्र माना जाता है। ऐसे के गाइडेड टूर हैं जो घाटों के पास आयोजित किए जाते हैं। आप उनसे यहाँ की हर जगह से जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प बातों को जान सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप डोम राजा जो यहाँ 4000 साल से चलते चले आ रहे अंतिम संस्कार प्रथा के प्रभारी हैं से बात भी कर सकते हैं और यहाँ के रीति रिवाजों के बारे में जान सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा और अपने साथियों को भी दीजिएगा। तो फिर अपने साथी अनुपम अग्रवाल को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।